और बाबा आपकी वो बहुत लोगों को पसंद आई कल आपने जो बोली थी। What's up, you lovely people? Once again, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. So, आज basically ना बहुत ज़्यादा late vlog चालू कर रहा हूँ, just because मैं चला गया था college और maybe possible कि daily जो है इतनी बजे vlog start होगा। मतलब मेरा जो college timing है वो रहता है 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, तो मैं 3 बजे के बाद ही घर आ पाता हूँ। तो obviously कि इसके बाद ही हम जितनी भी जो भी चीज़ें हम करने वाले हैं वो कवर अप करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी घर आ चुका हूँ। घर आने से पहले मैं लेकर के आया था आलू बड़ा, तो वो काफी ज्यादा तीखा था, वो आपको शॉर्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा मेरे डेली, जिसमें मैं मॉर्निंग का रूटीन भी कवर अप करता हूँ मेरा। सो या तो मैं मॉर्निंग में लेकर के आया था अभी, सॉरी आफ्टरनून में लेकर के आया था आलू बड़ा। तो फिलहाल तो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को एंड लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग गाइस। तो अभी जस्ट मैं घर आया हूँ और घर आने के बाद मम्मी ने फिलहाल तो अभी मेरी खाने की प्लेट लगा दिया। सो या फिलहाल तो मैं खाना खाऊंगा अभी। अब खाने में है क्या वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो या लेट्स सी, आज खाने में है पराठे, साथ में है चटनी और एक किसी चीज की सब्जी है और साथ में है दूसरी चटनी। तो फिलहाल अभी मैं खाना खा लेता हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मैं सुबह बहुत ज्यादा लेट हो गया था तो आज मैंने खाना सुबह खा के गया नहीं। सो या फिलहाल तो अभी मुझे खाना खाना पड़ेगा क्योंकि फिर मुझे इवनिंग में रनिंग भी करने जाना है। तो 3 तो बज ही गया है, 5 बजे मैं रनिंग करने चला जाता हूँ तो मुझे फिर खाना ही पड़ेगा। फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करूंगा, पढ़ाई तो अभी हो नहीं पाएगी क्योंकि टाइम ही नहीं है इतना। फिर देखते हैं रात में हम लोग पढ़ाई करेंगे। सो या फिलहाल तो खाना एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर बनेगी चाय, चाय पियेंगे फिर आपको मिलते हैं। गाइस खाना मैंने खा लिया और ये कुछ ऐसी हालत है किचन की, देखो मैं दिखा देता हूँ। ये अब थोड़ा और अच्छा हो गया है क्योंकि हम लोगों ने फ्रिज बाहर रख दिया है। फ्रिज अंदर तो नहीं रखोगे ना, क्या रखोगे? नहीं रखने वाले फ्रिज अंदर। और ये आगे मेरे पार्ले जी बिस्किट और मैं सोच रहा हूँ कि टोस्ट भी खा लूँ साथ में। खाना मैंने खा लिया, खाना अच्छा बना था, मतलब चटनी थी तो फिर ठीक है, काम चला लिया आज। ठीक है तो अभी फिलहाल अब हम चाय पीने वाले हैं और मम्मी उनकी चाय लेकर के चली गई आगे। किचन अब मतलब थोड़ा सा खाली खाली हो गया, पहले ऐसा फ्रिज बीच में था ना तो सब भरा भरा लगता था, लेकिन अब थोड़ा खाली हो गया, अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी फर्नीचर तो बनवाया नहीं है अभी तक, इसलिए ठीक है कभी ना कभी बन जाएगा, लेट्स सी। तो फिलहाल अभी हम चाय पी रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत देर मेरा रेस्ट करने का मन तो कर रहा है, देखता हूँ करता हूँ या फिर नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। गाइस कल तो मतलब एक तरफ ही मैच हुआ, कहा हम लोग सोच रहे थे कि इंडिया हारने वाली है लेकिन फाइनली इंडिया जीत गई, जिसमें कि बहुत हमारे बॉलर्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। मतलब यार बहुत शानदार इनिंग रही कल इंडिया की। हम लोगों ने तो बाहर थे तो हम लोग बाहर ही मोबाइल पर वॉच कर रहे थे, और क्योंकि हम लोग दोस्ती यारी के साथ थे तो हम लोगों ने फिर मोबाइल पर ही मैच देख रहे थे, तो फिर इतना ज़्यादा देखा नहीं, लेकिन हाँ लास्ट मोमेंट देखा था तब इंडिया जीती थी, बहुत बढ़िया मोमेंट लगा। तो फिलहाल तो मुझे नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही है लेकिन मैं सो नहीं रहा बिकॉज 5 बजने वाले हैं, फिर मुझे जाना है रनिंग करने के लिए ग्राउंड पे, फिर वहाँ मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करता हूँ, तो फिर अभी आलसी करता हूँ तो फिर अगर मैं सो गया गलती से तो फिर मैं नहीं जाने वाला, फिर मैं 6:30 से 7 बजे उठूंगा सोने के बाद। क्या बात कर रहे? तो फिलहाल तो मैं जा नहीं, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैंने कैंसिल कर दिया सोना। तो मैंने अभी थोड़ी देर गिटार प्ले किया, ये फिंगर्स बहुत ज़्यादा दुखती हैं गिटार प्ले करने में, इट्स नॉट ईजी। ये रखा हुआ है यहाँ पे मेरा गिटार, बहुत पहले था, मैं अभी तक प्रॉपर सीखा भी नहीं हूँ, सीख रहा हूँ धीरे धीरे। अगर लगा के मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए तो मैं शायद कोचिंग भी ज्वाइन करूँगा गिटार की। तो अभी तो थोड़ी देर बाद फिर मैं चलता हूँ ग्राउंड पर। कल का मैच तो वाकई में मज़ा आ गया, मतलब इंडिया अभी तक टॉप पर ही चल रही है विच इज़ गुड थिंग, और हो सकता है वर्ल्ड कप भी हम ही ले जाएँ। सो लेट्स सी क्या होता है वर्ल्ड कप में। फिलहाल तो अभी मैं देखता हूँ, मुझे रनिंग करने ही जाना है। मैं अभी रेडी हो गया हूँ रनिंग के लिए, मैंने कैप लगा लिया है, ये शर्ट चेंज कर लिया, नीचे ट्राउजर डाल लिया है, मतलब लोअर डाल लिया है। तो अब मैं चलता हूँ क्योंकि 5 बज गए, फिर अंधेरा जल्दी हो जा रहा है ठंड के कारण, तो फिर वही है कि फिर वहाँ जानवर निकलने लगते हैं सब वगैरह, तो फिर डर लगता है रनिंग करने में वहाँ पे। फिर एक एक डेढ़ घंटा तो हो ही जाता है मुझे ग्राउंड पे जैसे तैसे, तो जल्दी से चलते हैं उजाले में और फिर आते हैं फटाफट रनिंग करके और थोड़ा बहुत वर्कआउट करके। तो लेट्स गो। फिर फाइनली हम पहुंच चुके थे ग्राउंड पर, और आज इतना ज़्यादा क्राउड था नहीं ग्राउंड पर, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और कुछ क्रिकेट खेल रहे थे। तो खैर हम लोगों को टाइम अच्छा खासा मिल गया, हम थोड़ा सा जल्दी आ ही गए थे 5 बजे, फिर हमने जल्दी से वर्कआउट किया
वर्कआउट करने से पहले हम वार्म अप करते हैं ऑब्वियसली बॉडी का. बॉडी का वार्म अप करने के बाद फिर हम लोग टोटल अभी फिलहाल 3 राउंड रनिंग करते हैं. 3 राउंड रनिंग करने के बाद फिर हमारा थोड़ा एप्स का वर्कआउट भी करते हैं साथ में, ताकि जो फैट है बॉडी का जो जमा हुआ है वो जल्दी जल्दी बर्न आउट हो सके या कट आउट हो सके, तो विच इज गुड थिंग. फिर एप्स वर्कआउट करने के बाद फिर हम घर. सो गाइस मैं आ गया हूं रनिंग करके घर, और अभी मम्मी से टीवी चालू नहीं हो रही थी लेकिन हमने कर दी चालू. गंदा घर अब जैसा करे वैसा ही दिखाना है. ये कर दिए टीवी चालू और अब ये देखेंगे अहिल्या और मैं शायद बाहर जाऊंगा प्रखर वगैरह से मिलने. सो या अब तो मैं फिलहाल नहाने जाता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ. गाइस पापा लस्सी लेकर के आए जो कि हमें 3 लोगों में बांटनी पड़ेगी और ओशी को नहीं मिलेगी. आप खाने में मेरे लिए क्या बना रही हो? दलिया. अभी नहाने भी नहीं गया और मैं यहाँ पे लस्सी पी रहा हूँ. सो गाइस मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और मम्मी ने बना दिया दलिया. ठीक है अब मैं खाता हूँ दलिया, लेकिन उससे पहले मुझे लेकर के आना है नीचे से दूध. हम लोग गाय का दूध लेते हैं ना आजकल, मतलब आधा किलो 1 किलो आई गेस दूध देते हैं गाय का, तो वो मैं नीचे गार्ड अंकल के पास दे के चले जाते भैया, तो मैं उसको लेकर के आता हूँ ऊपर, फिर दलिया खाता हूँ, फिर चलते हैं बाहर. ये रहा गाइस हम लोगों का गाय का दूध, उसको लेकर के जाते हैं ऊपर. दूध लेकर के मैं ऊपर आ चुका हूँ वापस. नाउ आई एम ईटिंग माय दलिया. इतना सारा तो मैं खाने नहीं वाला, मैं थोड़ा सा ही खा करके अभी चला जाऊंगा. सो अब मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझे बस शूज पहनने. तो पापा यहाँ पे बैठे हैं, पापा पूछते हैं कि आपका दिन कैसा गया आज. अरे बाबा कैसा गया दिन आज? As usual. क्या क्या किया आज दिन भर में? Teaching. पढ़ाया. गाना रिकॉर्ड हुआ हमारा. हमारे यहाँ जो स्पेशल बच्चियाँ हैं, ब्लाइंड बच्चियाँ, उन्होंने बड़ा तीज. हमारे विद्यालय में जो ब्लाइंड बच्चियाँ हैं उन्होंने गाना प्रिपेयर किया और उसको म्यूजिक में लयबद्ध करके, और उसको 1 नवंबर को भी जो प्रोग्राम होने वाला है इंदौर में, उस 1 नवंबर के प्रोग्राम में वो गाना जो है डेमोंस्ट्रेट किया जाएगा, डिस्प्ले उसको किया जाएगा. ठीक है, तो हमें सुनने को मिलेगा नहीं मिलेगा वो? बिल्कुल, अगर वो बन जाता है वहाँ से, अगर रिकॉर्ड आप कर सको तो कर लो, और या फिर हम उसको कोशिश करेंगे कि मिल जाएगा तो हम इसी ब्लॉग में डाल देंगे. और मतदान को कैसे इंक्रीज किया जाए, वोटर परसेंटेज कैसे इंक्रीज किया जाए, उसको लेकर एक गाना बनाया गया है. किसने बनाया हुआ है ना? आपने लिखा भाई? गाइस पापा ने वो गाना लिखा है और वो जो इनके स्कूल में ब्लाइंड बच्चियां हैं उन्हें वो गाना गाया है. तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर उसको रिकॉर्ड करके किसी आने वाले व्लॉग में डालूंगा. तो फिलहाल तो अब हम डालना पड़ेगा, अभी चुनाव का परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा. तो वो तो 17 नवंबर पे है ना चुनाव, तो इलेक्शन तभी तो देखते हैं. और पापा आपकी वो बहुत लोगों को पसंद आई कल आपने जो बोली थी ना, वो शायद क्या बोला था, चुटकुला बोला था जो कब्जे. अब डेली सुनते रहेंगे गाइस धीरे धीरे. तो चलते हैं फिलहाल शूज पहनते हैं और प्रखर से मिलने चलते हैं फिर. सो अब हम आ चुके हैं हमारी बाइक के ऊपर और बाहर तो मतलब अभी ठंड लगना स्टार्ट हो ही गई ऑलमोस्ट गाइस. बाहर मुझे अभी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा. और फिर मैंने जैसे तैसे फिर बाइक भी स्लो की, तेज चला रहा था लेकिन फिर मैंने कहा हेलमेट भी नहीं पहना तो गाड़ी स्लो चलाए तो ही अच्छा है. तो अब फिलहाल तो हम लोग बस प्रखर के पास पहुँचने वाले हैं. वो 78 पे स्टे कर रहा था तो हम लोग जल्दी से चले गए, और हमारे घर से तो बहुत ज़्यादा पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है 78. सो या फिर यहाँ थोड़ी हमने गाड़ी भगाने का सोचा है क्योंकि हम लेट हो रहे थे. फिर हमने प्रखर को फाइनली पिकअप कर लिया और उसके बाद फिर हम थोड़ा बहुत घूमे. घूमने के बाद फिर हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत भी कर रहे थे साथ में, कुछ हमारे पर्सनल टॉक्स चल रहे थे. फिर हम लोग चले गए चाय पीने. चाय पीने के बाद फिर थोड़ी बहुत देर और बात की. बात करने के बाद फिर भाई एज यूजुअल हम लोग घर आ गए इस एरोप्लेन को देख करके. सो गाइस फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ वापस, मतलब बाहर से थोड़ा बहुत घूम करके हम लोग वापस घर पे आ चुके हैं. थोड़ा बहुत चाय वगैरह पिया, घूमा, फिर वापस घर आ गए. तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और किसी भी रीजन से अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय.